ऑक्सीजन आपूर्ति कार्य को लेकर डीडीसी नाराज नजर आए। रांची में सदर अस्पताल में कोरोना की तैयारी की जानकारी लेने पहुंचे थे। टास्क फोर्स की बैठक में कार्य की प्रगति पर नाराज दिखे। डीडीसी सिविल सर्जन से लिखित में जवाब मांगा है। चौथे और पांचवें तल्ले पर हो रहा है मैनिफोल्ड का कार्य, मैन पावर की कमी को दूर करने का भी निर्देश दिया है डीडीसी ने। तो डीडीसी नाराज दिखे उस वक्त जब सदर हॉस्पिटल पहुंचे थे और वहां पर कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी चल रही है उससे वो थोड़े से नाराज नजर आए और कई दिशा निर्देश दिया है। ऑक्सीजन आपूर्ति कार्य को लेकर डीडीसी नाराज हुए। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी सरफराज हमारे साथ मौजूद है। सरफराज, डीडीसी नाराज नजर आए जब वो सदर हॉस्पिटल पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, जानकारी दे पूरी। दरअसल आज जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक हो रही थी जी, जिस पर उन्होंने पूछा कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। सदर अस्पताल के चौथे और पांचवें तल्ले पर ऑक्सीजन का कार्य होना था, क्योंकि कोरोना के मरीज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, त्योहारों के बाद किसी तरह का मामला बढ़ता है, तो वैसी स्थिति में संभालने के लिए पूरी तैयारी जिला प्रशासन अपने स्तर से कर लेना चाहती है जी। लेकिन एक सप्ताह में जो काम होना था उसके नहीं होने पर डीडीसी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सिविल सर्जन से स्पष्ट कहा कि अगर कल तक ये काम नहीं होता है तो लिखित कर दे कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है यह काम, कौन है जिम्मेदार। तो अब इस मामले में कल तक का काम देखा जाएगा जी। अधिकारी उसके बाद से रेस हो गए हैं, क्योंकि वर्चुअल बैठक में उन्होंने डीडीसी ने ये निर्देश दिया है जी। सदर हॉस्पिटल में बहुत पहले ही से काम चल रहा था सरफराज, जिस तरीके से संभावित लहर है तीसरी कोरोना की उसे लेकर तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी, उसके बावजूद अगर ये है तो इसे तो लापरवाही कही जाए। जी जी, ये पूरी तरह से लापरवाही है संबंधित पदाधिकारियों की, क्योंकि लगातार डीसी डीडीसी और जिला के सभी वरीय पदाधिकारी निरीक्षण करते रहे हैं, काम का देखते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे जैसे कोरोना की लहर धीमी हुई दूसरी लहर, तो अधिकारियों भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्टर भी अधिकारी भी धीमे पड़ गए। लेकिन अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, संभावना जताई जा रही है कि कई बार त्योहार के बाद ये कोरोना का मामला बढ़ सकता है जी। इसको लेकर ही डीडीसी ने पूरी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि हर हाल में ये काम तय समय पर पूरा करना चाहिए था जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज तमाम जानकारियों के लिए। तो डीडीसी नाराज नजर आए, ऑक्सीजन आपूर्ति कार्य को देखकर उनमें नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली और जो काम की प्रगति थी उससे भी वो काफी नाराज नजर आए। सिविल सर्जन से लिखित जवाब मांगा है डीडीसी ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।